फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी। मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सब लोगों को तरह तरह की सैंडविच खाने का मन करता है। आलू की, मेयोनीज की, अलग अलग स्टाइल की सैंडविच खाने का बहुत मन करता है। मैंने भी अपने चैनल पर बहुत तरह की सैंडविच के लिए, आज मैं आप लोगों के लिए अलग ही स्टाइल से बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इस स्टाइल से सैंडविच बनाएंगे, आपके घर में सभी बहुत ही पसंद करेंगे और पूछेंगे कैसे बनाएं, बार बार खाने की डिमांड करेंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए यूनिक स्टाइल से सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई गैस पे रखते हैं। इसमें हम लगभग 1 से 2 स्पून ऑयल डालते हैं और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ये हमने ये ऐसे लंबे लंबे लच्छे से पत्ता गोभी के कट करके रखे हैं वो हमने लिए हैं। इसको हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं और पत्ता गोभी को हमें अच्छी तरीके से भूनना होता है। हम पत्ता गोभी सिर्फ पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पत्ता गोभी भूनने में टाइम लगता है, इसलिए हम बाकी की चीज़ें बाद में डालेंगे। अगर आप प्याज खाते हैं या फिर आप प्याज पसंद करते हैं तो आप पत्ता गोभी से पहले प्याज डालकर थोड़ा सा भून लीजिए और उसके बाद पत्ता गोभी भूनिए उसी में। मतलब जब हल्की सी प्याज भून जाए तो उसके बाद पत्ता गोभी डाल दीजिए। जैसे कि आपके हम देख रहे हैं कि हमारी ये पत्ता गोभी भून गई है, इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। तो अब हमने ये चॉप्ड किए हुए टमाटर लिए हैं, ये कट किए हुए, वो इसमें डाल देते हैं। वो भी इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसको भी इसमें अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डालते हैं स्वीट कॉर्न। ये हमने ये थोड़े से जो हमारे फ्रोजन स्वीट कॉर्न होते हैं वो लिए थे और ये बारीक कट की हुई हरी मिर्च इसमें हम डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें अब हम डालते हैं, ये हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है या आपके पास ओरिगेनो हो तो ओरिगेनो भी ले सकते हैं, वो इसमें हम डाल देते हैं। और ये चिली फ्लेक्स है वो इसमें हम थोड़े से डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम 1 स्पून लगभग चाट मसाला डाल देते हैं और ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, डिफरेंट आ जाता है। और इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से चलाते हुए इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे हमने नमक क्यों नहीं डाला, तो हमने इसमें चाट मसाला, पिज़्ज़ा सीजनिंग ये सब डाली है, सब में नमक होता है इसलिए हमने नमक नहीं डाला। इसको अब हम ठंडा करने के लिए साइड से रख देते हैं। जैसे ही हमारी ये ठंडी हो जाए, जैसे स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है, ये हमने मेयोनीज ली है, ये जो वाइट मेयोनीज आती है वो हमने ली है, ये हम 2 स्पून अभी इसमें डालते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। अच्छी तरीके से इसमें हम मिक्स कर लेते हैं इसे। अभी हमें जैसे थोड़ी सी मेयोनीज कम लग रही है तो हम इसमें थोड़ी सी मेयोनीज और ऐड कर सकते हैं। ये हमने मेयोनीज और ऐड कर दिया और अब अच्छी तरीके से इसे चलाते हुए हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी देखिए स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अभी इसमें हम एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो हम सबसे एंड में डालेंगे। तो ये हमारी जैसे ही स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है तो इसके बाद अभी हम इसे साइड से रख देते हैं और अब हम ब्रेड लेते हैं और ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे वो है हमारी टमाटो केचप। हम अब स्टफिंग में कुछ नहीं ऐड करेंगे, हमने बिल्कुल स्टफिंग अपनी तैयार कर ली है, लेकिन हम टमाटो सॉस लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, इससे हमारा ब्रेड पे बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाता है। अगर आप टमाटो सॉस ये स्टफिंग में ही मिक्स करना चाहते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप ब्रेड में लगा कर खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसकी जगह पिज़्ज़ा चटनी भी लगा सकते हैं या फिर ग्रीन चटनी, ये आपके ऑप्शनल रहती है, लेकिन टमाटो सॉस का सबसे बेस्ट फ्लेवर आता है जो सभी को पसंद आएगा, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा। अब हम एक एक ये स्टफिंग लेते हैं और एक एक ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं। हम अभी 2 सैंडविच बना रहे हैं, फिर बाकी सैंडविच हम बाद में बना लेंगे। और ये 2 ब्रेड के ऊपर लगा के अच्छी तरीके से इसको हम ढक देंगे दूसरी ब्रेड से। ऐसे ही हम दोनों ब्रेड को अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर ली है। ये हमने दूसरी सैंडविच पे भी अच्छी तरीके से चारों तरफ अच्छे से स्टफिंग लगा दी है, इसको अब हम ढक देते हैं। हमारी ये बिल्कुल सिकने के लिए तैयार हो गई है। आप चाहें तो इस सैंडविच को ऐसे ही खा सकते हैं बिना सेके,
ये तब भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन अगर आप सेक कर खाएंगे तो और ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है। तो हमने एक तवा गैस पे रखा है, इसमें थोड़ा सा देसी घी लगाया है, आप बटर भी लगा सकते हैं। और एक एक करके हमें सैंडविच को अच्छे से सेक लेते हैं। हल्का सा घी हम ऊपर भी लगा लेते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारी इसमें जैसे कि हम थोड़ा सेक लेते हैं इसे मीडियम गैस पे, जैसे हमें लगे कि ये पहली प्लेट सिक गई है हल्की सी, तो इसको हम पलट देंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये सैंडविच सिक के आई है। अब इसे पलट पलट के अच्छी तरीके से हम इस सैंडविच को सेक लेते हैं। देखिए हमारी ये सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको अभी हम सर्व करेंगे। अभी हम पहले दूसरी सैंडविच भी सेक लेते हैं, फिर मैं आपको कट करते हुए भी दिखाऊंगी कि ये कितनी बढ़िया ये सैंडविच बनकर आ रही है। आइए, और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये म्यूनिस की सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी। ये भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको अब हम पीसेस में कट करते हैं। दो पीसेस में सैंडविच की तरह हम इसको कट कर लेंगे एक दूसरी प्लेट में निकालते हुए। और इस तरीके से हमारी ये म्यूनिस की सैंडविच बनके तैयार है। इसको हम सर्व करते हैं। इसको आप रुका ही खाइए, बहुत अच्छी लगती है। इसमें आपको अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविच जो है वो बनकर हमारी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, ये सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस सैंडविच की रेसिपी को ज्यादा से लोग देख सकें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।